भाई लोग, तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी कि मैं इसमें यार थोड़ा सा, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा लेट हूँ। फोर्टनाइट की जो अपडेट आई थी कार्स वाली, उसमें तो यहाँ पे सीन था कि अभी ना थोड़ी लाइक फास्ट गेम है ना, तो लोडिंग होने में थोड़ा सा टाइम लेती है, ठीक है। सीन ये कि जहाँ पे मैंने मार्क लगाया है वहाँ पे एक ट्रक खड़ा होता है, जिससे लाइक मुझे शील्ड भी मिल जाएगी और गाड़ियों को भी मैं चेक कर लूँगा। तो भाई साहब, पहले तो मैं फुल लैग होते होते आते यहाँ पे उतरा और उठाया कैन, और भाई साहब पहली फुर्सत में निकल गया। अब यहाँ पे ना मैंने यूट्यूब पे ग्लिच देखे थे कुछ के, लाइक अगर ऐसे करें ना, हम इसको अपनी पिकैक्स पे और कैन पे स्विच करते रहें तो लाइक हमें मिलते रहे, मतलब कैन मिलते रहेंगे, कोई ग्लिच था। लेकिन आई गेस उन्होंने इसको ठीक कर दिया या क्या चक्कर हो गया। फिर मैंने लास्ट पे आके छोड़ दिया, मैंने कहा भाई यार दिमाग ख़राब हो रहा है। और हाँ, अभी इसको पहले माइंड नहीं, जैसे ही माइंड क्लियर करते हैं ना इसको, तो हमें शील्ड भी मिल जाती है अंदर पूरी, और जो वो लाइक जो हमारा होता है। ओके, एक मिनट, यहाँ पे पहले मैं बता दूँ कि मैंने सेटिंग थोड़ी आगे पीछे हुई हुई थी, क्योंकि मैंने वो इस पे लगा हुआ था यार, उसको क्या कहते हैं, मोशन ब्लर ऑन था। तो जैसे ही लाइक मैं माउस इधर उधर देखूंगा ना, तो लाइक ऐसे लगा कि लैग हो रही है, लेकिन वो लैग नहीं हो रही थी। आगे एक दो गेमों में ना मैंने उसको ठीक कर दिया था। तो यहाँ पर ही मैं ग्लिच देख रहा था, जिसको कैन फेंकते हैं बिल्कुल थोड़ा, हाँ इस जगह पे कैन फेंकते हैं और गाड़ी के अंदर घुसते हैं, जैसे ही गाड़ी आगे चलाते हैं तो मैं उनमें लग पड़ती है। लेकिन भाई वो काम नहीं किया, वो उधर ही रह गया, देख जैसे देख सकते हैं आप, वहाँ पे ही भाई साहब वो जम गया, उसको ट्राई नहीं किया। फिर उसके बाद फ्यूल लिया, फ्यूल भरा और आगे की चेक करते हैं, बूम। अब एक बार फिर से मैं ट्राई मार रहा था भाई, क्या मैंने गलत था कॉल, लेकिन भाई वो उन्होंने चेंज कर दिया, तो नो प्रॉब्लम। फिर यहाँ पर भाई साहब बंदा दिखा मुझे बिल्ड करते हुए, मैंने कहा भैया जी फुल सल्लू भाई बन के सीधा चढ़ा दिया ऊपर ट्रक। चलो, अब इसकी एक बात ये है भाई साहब, ये बहुत खतरनाक कि उन्होंने ना वन शॉट रखा हुआ है। अब इस बंदे का मुझे नहीं पता, मैंने ना पेट्रोल पंप को टक्कर मार दी और वो सारा फटने लग पड़ा, लेकिन ना किल फीड में शो हुआ है मुझे वो बंदा, और ना ही बाद में दिखा है मुझे कि वो भाई साहब गायब कहाँ हो गया। वो एक बंदा था घुसा हुआ था, जैसे वो आपने देखा है बिल्ड किया है उसने, उस कमरे के अंदर था उसके अंदर बंदा, लेकिन दिखा नहीं है भाई साहब, गायब हो गया क्या, देखना ज़रा। भाई जी एक वो पानी के अंदर कूद रहा है और एक इस घर के अंदर गया है, मैंने कहा घर को ठोक देते हैं, लेकिन ट्रक जैसे ही गया भाई साहब, और ट्रक घर को चोर भी गायब हो गया। फिर वो बंदा वहाँ से भाग गया, लेकिन मैं अभी भी उसी फिराक में था कि भाई मैं गाड़ी उड़ाऊँगा। ओके, तो ये ठोका भाई, मैं आर पार हो गया, मुझे दिखा नहीं बंदा, लेकिन अब मेरा गाड़ी पानी में गिर गई थी, तो मैं उतरा भाई साहब, मैंने कहा भाई अगर ना मिली ये गन तो मेरा तो वेल लग जाएंगे। मैंने फटाफट गन उठाई और ये बंदा था थोड़ी हेल्थ पे, एक लुड़का आया, बिल्ड चेक की, बिल्ड रही मेरे पास। फिर उसके बाद यहाँ पे एक बंदा, ये भी थोड़ी हेल्थ पे था, उसको भी लुड़का दिया, और अब तीसरा बंदा पानी में था। ये देखा मोशन ब्लर जैसे आया था, जैसे ही मैंने घूमा मुझे मोशन ब्लर आया, पहले दिखा नहीं, फिर मुझे जैसे ही बंदा दिखा भाई साहब, मैंने उसके ऊपर एम की और करी साथ 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 ये बुलेट बहुत अच्छी चली है भाई। इसका चक्कर और है ना, जब आप एक एक हफ्ता क्या एक दिन भी पबजी खेलो ना, तो दूसरी गेम की आपको समझ भाई सब घंटा नहीं रहती। अगर आप ये फोर्टनाइट खेलो 2-3 दिन तो पबजी खेलने में परेशानी होगी, अगर पबजी खेलो 2-3 दिन तो ये खेलने में। ओके, तो भाई साहब यहाँ से लूट ली और हम भाई साहब फिर गाड़ी पे बैठे और फोड़ निकल लिए। मैंने ये चेक करना था क्या मैं ट्रैक्टर भी चला सकता हूँ, जैसे ही मैंने इसको ट्राई करने की कोशिश की भाई साहब पीछे से मुझे प्लेन के आवाज़ आने लग पड़ी, वो भी नीचे आने की, वो मेरे पास आने लगा। भाई मैंने कहा भाई अब भी मैं मरा, बिल्कुल नहीं बचने वाला, ये देखना ज़रा मैं बचा कैसे। और उसके बाद यहाँ से मैंने पकड़ी ये अच्छा कि वो बंदा आ चुका था, मैंने कहा चलो अभी इसको मार जाते हैं, मेरे पास थी शॉट गन लेकिन ग्रे वाली। भाई इसका एमिंग बहुत अजीब है, आप खुद भी देख सकते हो, अगर आपने कभी खेला हो ना तो आपको पता भी हो, पता चल जाएगा कि भाई इसी गेम का। मैंने मारा भाई, मैं बिल्कुल लुढ़कने वाला, सही है, मैं ऐसे रैंडम फिर स्टेयर्स बना के भागने लगा, इतनी मैंने बना दी कि उसको तोड़ने तक मैं हील कर, मैं हील निकली छुपा यहाँ पर भाई साहब। फिर वो भी बंदा मेरी तरह की था, बहुत एक मिस की वो वापस हो गया और डर गया, दूसरी मैंने मारी और वो आगे भाग के मारने के बजाय पीछे भागा, और फिर मैंने मौके का फ़ायदा उठा के उसको लुटका दिया।
फिर भाई कुछ सांस लिया मैंने, मैंने कहा भाई शुक्र है यार मरा नहीं तो मेरा हाल लड़क जाता मैं। ओके यहाँ पे मैं बंदों को देख रहा था और मुझे ना यहाँ पे से यहाँ से शॉर्ट्स आई, मैंने कहा भाई आओ ना जरा आओ तेल लगा के, मैं भागा उस बंदे के पीछे लेकिन वो नीचे चला गया। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे गाड़ी रोकी ना वो फिर से मेरे वापस आया मेरे पास, तो आई गेस उसने बिल्ड किया पहले। हाँ मैं छुप गया गाड़ी के अंदर क्योंकि भाई पता था मैंने मर जाना है, पहले मारी 75 का उसको हुआ और यहाँ पे अभी फिर उसको पड़ेगी अभी 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 हाँ अभी पड़ी लाइक 20-30 के करीब पड़ी है और वो नीचे गिर गया पानी के अंदर गिरा था। फिर मैंने कहा भाई ऐसे लुट जाओ यार चलो ख़त्म करें इसको, इसकी स्कारल पकड़ी और मिशन के ऊपर दोबारा। भाई यहाँ से मुझे कॉन्स्टेंट आवाज़ें आ रही थी गोलियाँ चलने की, लेकिन अभी दिखा था मुझे पता, मैंने कहा भाई आ जाओ आ जाओ फिर देखे होते, मेरी गाड़ी के भी धुएँ निकलने शुरू हो गए थे, मैंने कहा भाई मरे। लेकिन वो गाड़ी वाला चला गया था अपना, मैं फिर यहाँ से उतर के आई गेस वो लूट लेने जाऊँगा, हाँ मैं जाऊँगा लूट लेने जाऊँगा। ये उतरा और नीचे शार्क भी थी भाई साहब, वो भी मेरी लूट की इसी चक्कर में थी कि आ गया हूँ तो उठा लूँ। भाई फिर मैं गाड़ी अपने ढूंढने लग पड़ा, यहाँ पे भी शॉट्स मुझे आ रहे थे, आवाज़ आ रही थी कि यहाँ पे कोई मार रहा है बंदा, तो मैंने देखा है वो अंदर बिल्ड भी हुआ है, मुझे यकीन हो गया कि एक बंदा तो वहाँ पे है पक्का। फिर मैं अपनी गाड़ी ढूंढने लग पड़ा, मैंने कहा पानी में तो नहीं गई थी भाई साहब, किधर गायब हो गई है। और बंदों की तलाश में था भाई और मिल नहीं रहा था, मेरा फ्यूल भी कम हो गया, मैंने कहा चलो ये ट्रक का ले लेता हूँ। तो साथ ही मुझे पीछे से ना शॉट्स आने शुरू हो गए वो सी ऊपर वाले से, एंड आई वाज लाइक ये अब ये आप ही बताओ भाई साहब इसका बुलेट ड्रॉप जो था ना, लाइक मैं क्या पबजी खेल खेल के ना इसका बुलेट ड्रॉप मुझे याद ही नहीं रहा कि इस गेम में बुलेट ड्रॉप भी होता है। पबजी का लाइक इतना नहीं होता, जहाँ पे मारो वहाँ पे लगती है, अभी दो बार मैंने निशाने इतने पे रखे लेकिन वो बुलेट ड्रॉप की वजह से उसको लगे नहीं। मैं इसको लाइक 5 से 6 शॉट्स मारी थी पर बच गया ये कुत्ता, इतनी बार इसने मुंडी निकाली है लेकिन बचा है। यहाँ से बंदा मैंने देखा, मैंने फिर शूट नहीं किया उसको क्योंकि फिर मुझे लोकेशन का पता चल गया था सबका कि एक ये है एक ऊपर है और एक मैं, तीन बंदे इस तरफ रह गए हैं। ये तीसरी शॉट बच गई लगते लगते, भाई इतना बुरा भी स्नाइपर नहीं हूँ लेकिन किस्मत जब अपना साथ दे तो क्या करें। भाई वो अपना मैंशन बना रहा है ऊपर ऊपर फुल, अब वो ये नीचे वाले ने उसको शॉट्स दी भाई, वो था हाई जगह पे तो उसने लुटका दिया। अब मैं थोड़ा लेट हो गया स्नाइपिंग मारते मारते, अब ये पड़ी उसको उसकी फट गई, उसने कहा भाई लुड़के, मैंने याद नहीं रहा हेल्थ लगाने का, मैंने ये गलती हो गई। अब यहाँ पे मेरी लोकेशन जो था मैं यहाँ पे आराम से लाइक छुपा हुआ था, वो हाई ग्राउंड पे था लेकिन मैं यहाँ पे छुपा हुआ था, मैं उसको अगर वो मुंडी निकालता मैं मार देता, लेकिन ये शार्क जो थी ना ये तंग आ रही थी। अभी देखना अभी मेरे ऊपर आई नहीं, मैंने नीचे तोड़ने की कोशिश की कि अब क्या पता टूट जाए और वो नीचे आ जाए, बट बैड लक नहीं आई। अभी शार्क मेरे ऊपर आएगी भाई, तो लेजेंडरी शार्क की कुछ खाया हुआ था इसने, मैं फिर उसके पीछे छुप गया। अब वो बंदा आएगा मेरे पास, उसे देख लिया ना मैं हील कर रहा हूँ, वो बंदा मेरे पास आएगा, मैंने पहले अपना बॉक्स फुल बना लिया, अब उसे देखा है कि मैं हीलिंग कर रहा था तो अब वो भागता मेरे पास आएगा क्योंकि उसके पास ग्रैपलर था। मैंने उसको यहाँ पे भी एक शॉट दी, थोड़ा डैमेज लिया मैंने, पर यहाँ पे एक शॉट दी, दो शॉट। अब यहाँ पे अगर उसको पड़ जाती तो आई गेस वो मार सकता था, मैंने क्योंकि छोड़ दी वह इसको शॉट छोड़ दी, मैंने बिल्ड शुरू कर दिया। और वो बिल्डर भी मेरे से काफ़ी अच्छा था भाई साहब, वो आसमान तक मिनट में पहुँच गया वो। मैं फिर भागा, मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि भाई हीलिंग चाहिए मुझे, मैं फुल इसके नीचे घुस के ना डब्बा बना के हीलिंग शुरू कर दी, क्योंकि मुझे पता था अभी उसके और मेरे बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी वो इतने शूट्स करेगा भी तो मेरे तक अभी नहीं गोलियाँ पड़ती। मैंने फटाफट हीलिंग शुरू कर दी, देखा देखा जैसे मैंने आपको बताया कि अभी वो ऊपर रहा, मुझे रिलोडिंग किसकी समझ आ गई, रिलोडिंग कर रहा मैंने फिर बना दी। अब पता नहीं मेरी बिल्डिंग के अंदर से कैसे मुझे पड़ गई, ओके यहाँ पे मैंने गलती एक कर दी, वो जैसे ही अभी ऊपर गोलियाँ मार रहे हैं ना, मैंने कोन बनाते बनाते स्टेयर्स बना दी जो मेरे लिए गलत होगी। ये देखा ये जो ये इसमें फंस गया, मेरी एडिट नहीं हो रही थी, माउस भी नीचे जा रहा था, फिर मैं डैमेज लिया 20-30 जोन का और निकल लिया भाई।
भाई साहब इस टाइम पे ना लाइक पूरा कांप रहा था मैं। अगर मेरे पास ये भी गोलियां होती ना स्कार एलकी भी, तो उसको क्या पता मैं मार देता। मेरे पास अब इसकी गोलियां ख़त्म होगी। यहाँ पे मैंने बेवकूफ़ी ये की कि मैं स्नाइपर मार सकता था, लेकिन मैंने SMG ट्राई की और लड़क गए। और भाई साहब ये कॉपी डाइटेड भाई साहब आया भाई का गॉड मोड, जिसमें भाई कतई अंधी मचा दी। सही है बगैर से यहाँ पे मतलब गॉड मोड क्या कहूँ मैं। इतनी इतनी फिट फिट शॉट मारी है लेकिन सेकंड पे। अब क्या यहाँ पे, हाँ मेरा लैंडिंग स्पॉट ये है। मुझे बंदा दिखा वहाँ पे, मैंने कहा भाई कतई जस्ट एक मिनट। वो बंदा बेवकूफ़ी करके इधर आ गया नीचे, पिस्टल की शॉट मारी दो लगी नहीं कभी, फिर वो मारने लग पा मुझे पिकैक्स से। पता नहीं क्या मेरे को भी इंजन दिए शायद जाकर चेस्ट खोलने शुरू कर दिया। मैंने कहा सही है भाई, अच्छा काम किया मेरा मतलब का काम किया। और मुझे फिर से पिकैक्स की आवाज़ आई यहाँ से ही, मैं फिर घुस गया। मैंने कहा भाई मार क्या ना, छोड़ना नहीं है। मैं सोलो भी नहीं खेल रहा, सोलो खेल रहा था मुझे लगा मैं डूब खेल रहा। यहाँ पर बंदा वो मुझे ही करने के चक्करों में था, मैंने उसको लटका दिया भाई साहब। एंड देन यहाँ पे आ गया भाई साहब मुझे शॉट गन से, और देखा लैग मोशन ब्लर की वजह से भाई इतना गंदा इसने लैग किया ना। वो भाई बंदा वो फुल शॉट गन मुझे पड़ा था, कुत्ते की था ना भाई की, भाई मार के जाना है आज। मैंने ही कहा भाई आज आपकी शॉट गन मिल गई थी मुझे, मैंने कहा अब आओ। लेकिन तब तक वो निकल आता है सच्ची, हाँ आता है। मैंने उसको हेड शॉट मारा था, ये 159 टाइप का होता है भाई साहब। कहा बच्चे पंगा लेता है भाई, शॉट गन आ जाए ना बंदा और पावरफुल हो जाता। अभी यहाँ पे फिर से आएगा, मैंने फिर उसको तंग करने के लिए इमोट मारा, क्योंकि भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे। सारे कमीने मेरे साथ ऐसे ही करते हैं, मार के तो इमोट करते हैं, तंग करते हैं। अब ये आ गया, ये अब मुझे इसका वजह था कि कमीना कैसे इतनी जल्दी आ गया। मैं अभी हील कर रहा था, मुझे आवाज़ भी नहीं इसकी सही आई, मैं ऊपर से भाग के निकल गया। मैंने कहा भाई निकल लो। अब उसको किसी और ने मार दिया, मैं भी यहाँ पे छुप गया। पहले यहाँ पे छुप गया, मैंने कहा अगर ऊपर आता है तो मारते हैं, नहीं तो भाई पंगा लेने की ना ज़रूरत ही नहीं है। अब उसने पिकैक्स की ट्राई की कि मैं ये तोड़ दूँ, मैंने भी शॉटगन निकाली। मैंने कहा भाई आ सामने, लेकिन डर गया भाई वो बंदा चला गया। और फिर वो बाइक चला गया भाई, मैंने कहा बस भाई थक गया हूँ अब तो मार के ही रहूँगा अब ये चलो बस। अब ये एडिट मैंने कैसे किया ये मुझे भी नहीं पता भाई, ये ना समझना कि मैं बड़ा प्रो एडिटर हूँ। ये कैसे मैंने इसको लाइक दूसरी तरफ की सीढ़ियाँ मैंने इस तरफ कर दी, ये कुदरती हुआ है लाइक आई मीन। मैं तो टेस्ट कर रहा था कि चक्कर करूँ, लेकिन वो खुद हो गया ऐसे फिर गया। मैंने कहा सही है, अच्छी बात है भाई, प्रो एडिटर लगेंगे। अब यहाँ पे से भी मुझे आवाज़ आई, अब फिर वही आपको पता है तंग करने वाला काम। और वहाँ से फिर आगे से फिर बंदे आ रहे थे, मैंने अपना AR साइड चेंज की। तो ये जो बंदा है ना, ये मैंने बेवकूफ़ी की गोलियाँ मारने की, तो वो फुल में चढ़ाने पे लगा हुआ था, बस वो मैंने गाड़ी मार बेवकूफ़ों की तरह खुद को भी डैमेज किया। अब ये पहली बिल्ड फाइट थी जो मैंने अच्छी खेली है, और मैं जीता भी हूँ इसमें देखा, लाइक इतनी पागलों की तरह मैं एडिट नहीं शुरू कर दी। ये बैठा हुआ बॉम्ब पास, ये पहली बिल्ड फाइट है जो मैं किसी बंदे के साथ जीतता हूँ। और पहले क्लैप्स, ये अचीवमेंट, और ये असली बंदा था इसलिए मैं इमोट वाले पंगे भी। यहाँ मैं बैठ के हील कर रहा था, और भाई साहब वो आ गया, पता नहीं क्या समझता क्या रहा, बिल्ड को मारने लग पड़ा गोली से। मैंने कहा आओ सर सर आओ ज़रा खुशबू लगा के। अब यहाँ पे हो गए भाई के 6 किल्स, और आगे चलो छोड़ दी मैंने कहा पंगे नहीं लेने का। यहाँ पे फिर वो अपना भाई साहब माइंड कर रहा था, ये मैं भी ये चीज़ करता निकल गया।
अभी ये पागलों की तरह ये एडिट होती है, ये मैंने पिछले बोल रहा था कि मैं पागलों की तरह एडिट था। अब उसका पता नहीं ग्लिच हुआ, लैग हुआ, क्या चक्कर हुआ, उसने घंटे से दबा के रखा। अब ये देखा, अब यहाँ पे मेरे हाथ पाँव कांपने लग पड़े क्योंकि उसने मुझे डैमेज दे दिया। मैंने पहली फुर्सत को निकल लिया वहाँ से, मैंने कहा भाई पंगा नहीं लेने का, 6 किल्स हैं, इतनी अच्छी जा रही है गेम्स भाई, गाय बोलो। बट लाइक जैसे आपको पता है भाई, कीड़ा साथ में आता है बार बार किल करने का, तो मैं फिर चला गया उसके पास। उसको ये इस बंदे ने मार दिया था, अब मैंने फिर इसको लुटका दिया। मैंने कहा सही है भाई, बहुत अच्छा काम किया। अब ऐसे ही भाई के हो गए 7 किल्स, और भाई साहब इस गेम में ना 3 किल से भी चिकन डिनर लाइक बॉल थी। चिकन डिनर क्या विक्ट्री, बहुत बड़ी होती है भाई। अंदर ना किसी बंदे को चेक करने के लिए उसी को यहाँ पे फेर रहा था कि भाई दिख जा सर। भाई गाड़ी लेके निकला तो बंदा शूट करने शुरू हो गया। भाई सर यहाँ देखना है, ये बहुत पीछे आ रहा है। मैंने गाड़ी यहाँ पे पार की, गाड़ी के पीछे कवर ले लिया। मैंने कहा भाई चलो थोड़ी सी तो पावर है गाड़ी, एक दो गोलियाँ तो ले ही लेगी। एंड वो भाई एंड एक शॉट दूसरी शॉट और तो, चलो ये लाइक बॉट टाइप ही था, ये इतना सही नहीं था। बबल हाँ ये बॉट्स के नाम है, ये बॉट था। ये तो देखे आउट ऑफ नो वेयर भाई साहब, मैं नीचे हील करने के लिए गया था लेकिन ऊपर से आ गया बंदा। आई वॉज लाइक ओके, वो अपना पेट्रोल भराने आया था। मैं भी स्निकी होके भाई साहब आराम से बैठ के निकल लिया। अब आपको पता है जैसे कि भाई मुझे पता चल जाए कि मैं मरने वाला हूँ, मैं उसी की गाड़ी लेके भाग जाता। अब ये डिफॉल्ट था, ये शॉट लगी नहीं इसको, वो मुझे मार देता क्योंकि वो जंप कर रहा था, वो था भी स्लीप प्लेयर, और वो मुझे मार देता। देखा जैसे उसने शूट किया गाड़ी, उसने ऐसी कैसे किया था, फिर आ जाके उसी बात में फंसा, आग का डैमेज लिया, ये सारी दीवारों को आग लग गई। मैं फिर यहाँ पे छुप गया, मैंने कहा भाई पहले बार ट्राई कर, लेकिन मुझे उसकी बिल्डिंग की आवाज़ आ गई, ऊपर जा रहा था। अगर मैं वहाँ पर ही खड़ा होता तो वो मुझे आराम से मार सकता था। मैं फिर उसी के बिल्डिंग के ऊपर गया, आराम से जाके ऊपर बैठ गया, क्योंकि उसको मैं क्राउच करके जाऊँ ना तो आवाज़ नहीं जाती फुटस्टेप की। अब मैं इधर आके छुप गया, मैंने कहा भाई दिखेगा तो फिर देखेंगे। अब यहाँ पे आग की वजह से वो टूटी थी, मुझे लगा वो है। अब मुझे उसकी भाई साहब बार बार आवाज़ें आ रही थी, कभी कहीं घूमने की, कभी कहीं घूमने की। मैंने कहा देख लेंगे भाई तेरे को भी, एक मिनट सब्र कर जा तू, है ना। वो बाहर निकला एंड वो अपना पकड़ को शुरू हो गया, लाइक गोली गोली मारने की उसने। मैंने कहा सही यार भाई साहब, वैसे वो देखा अपना फ्यूल कर फाका, और मुझे तभी वो दिख गए ऊपर से मराडर्स भाई साहब। मैंने कहा ना ना, अब वो आगे जा रहे थे, पता नहीं उनको क्या हुआ है। अब ये तो आपको पता है क्या है, अब वो आगे जा रहे थे, उनको पता नहीं कौन सा कीड़ा हुआ है, यहाँ पे भाग आए हैं कुत्ते के बच्चे। ये बहुत गंदी चीज़ है कसम से यार, फोर्टनाइट पता नहीं क्यों ये उन्होंने ये इतने हैवी वाले बॉट्स ऐड किए हैं ना। एंड भाई साहब ऐसे ऐसे ही करते करते हम लोग आगे तकरीबन फाइनल जोन के अंदर, इतना नहीं लेकिन तकरीबन फाइनल जोन के अंदर। यहाँ पे बंदे ने गाड़ी रोकी और एक बंदा उसके सामने है, मुझे पीछे वाला नहीं पहले दिखा, जैसे ही इसने उसको मारा ना मुझे वो दिख गया। एंड भाई साहब ऐसे ही भाई के ओके 11 किल्स। अब यहाँ पे था बंदा, मैंने उसको ये वाली मारी, ये जो भी है आग लगा देती है ना लाइक, ये 40 डैमेज करती है अगर डायरेक्ट मारो तो। यहाँ पे आ रहा था कमीना मराडर मेरे पीछे पड़ गया, मुझे उसकी सॉन्ग की आवाज़ आ रही थी बहुत देर की, लेकिन मैंने उसके ना गौर नहीं किया कि भाई क्या चीज़ क्या है ये। वो मेरे पीछे पड़ा हुआ घंटे से, और पीछे पीछे जा रहा था मेरे पीछे था। मैंने कहा चल भाई आ जा। अब ये बंदा मेरे पे एम करके खड़ा था, एक और बंदा मुझे मार रहा था, इसको 33 का डैमेज दिया, ये अपना हील करने के लिए गायब हो जाएगा। और भाई साहब वो बंदा अभी मुझे दिखा है, ठीक है वो ये अगर दिखा सकूँ ना तो मैं, वो उधर कोने पे खड़ा बैठा हुआ है, जंप भी उसने किया। ये बंदा मुझे अभी दिखा है, मैं गौर थी इस बंदे के ऊपर क्योंकि मुझे इसकी स्नाइपर चाहिए थी। बहुत सी लुका छुपी खेलने के बाद भाई ये देखा आपने, क्या मैंने उसको बेट करने के लिए घुमाऊँ। मैं फिर उसको लाइक अपना बिल्ड करके इस तरफ आ गया क्योंकि मुझे पता था कि भाई जोन आ रहा है, मुझे जोन में भी जाना है और दो बंदों से बात करना। अब ये नीचे था, ये भाई वहाँ से भाग के निकले, अभी मुझे हेड ऑन फाइट लेने लग पड़ा है, वो भी बिल्ड करी बगैर। अब शॉट की आवाज़ सुन की भाई फट जाती है, अब मैंने भी बैट चला आ गया भाई, लगा लो शॉट गन, उसको लुटकाया। और मैं कैन पड़ा हुआ था, मैं कैन के बीच में फंस गया, वो देखा एम लेके बैठा हुआ कमीना मेरे ऊपर ही। अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि मेरे पास ए आती,
लेकिन फिर मैंने ट्राई की उसको एक दो शॉट देने की, और भाई साहब आप खुद देख सकते हो वो बिल्डिंग में कितना अच्छा है, कसम से 1 मिनट में ताजमहल बना दिया। फिर यहाँ पे मुझे उसकी स्नाइपर मिली, और मानो या ना मानो ये स्नाइपर थी ना, इसने यहाँ पे उसकी गेम ख़राब की है, लाइक मेरी तो नहीं। यहाँ पे वो बैठा, मैंने उसको 86 का डैमेज दिया और वो फिर बैठा ताजमहल बनाना शुरू कर दिया। अब लाइक ठीक है भाई, आ भी जा। मैं यहाँ पे कवर ले लिया, मैंने कहा भाई छोड़ूंगा तो नहीं, कुछ भी कर ले। अभी और बंदों को मैं देख रहा हूँ भाई, दिख जाओ कोई एक आधा। अब मुझे उसकी ना बिल्डिंग की आवाज़ आई, वो देखा उसने ताजमहल के ऊपर अपनी दीवारें और खड़ी की हैं, मुझे उनकी आवाज़ आई, मैंने कहा बस गारंटी होगी कि अभी भी यही है वो। और सही पता नहीं था मुझे किस बॉक्स के अंदर है वो कमीना। अब आई वाज वेटिंग। और जब वो ब्लॉक उसके नीचे आ गया, अब जैसे मैंने आपको बोला कि स्नाइपर ने काम चेंज किया, ये था स्नाइपर की वजह से। अगर AR से मैं मारता तो भाई उसके पास थी स्नाइपर, वो लुड़का देता, उसके पास थी भी एपिक वाली। मैंने फिर स्नाइपर चेंज की उससे, बंदे रह गए 4 मेरे अलावा, मैंने कहा भाई साहब निकल लो यहाँ पे। मुझे दिखे भाई साहब बंदे, मैंने उनको स्नाइप करने की कोशिश की, दो दो दिखे, मैंने ट्राई की उनको स्नाइप मारने की, बट नो। फिर मुझे एक बंदा गोलियाँ मारेगा वो पीछे वाले टाइप से, वाइट कलर का, ये यहाँ पे उसको स्नाइप करने की ट्राई की ना, दूसरी पड़ी और फिर मुझे ही पड़ी। मेरे जैसा मैंने वो बताया कि भाई लास्ट पे आके मेरे हाथ पर वैसे ही कांपने लग पड़ते हैं, मैंने देखा आई वाज लाइक भाई मैं मर ही जाऊँगा। फिर मैंने हील की बैठ के, या नहीं की आई गेस, नहीं की, क्योंकि मुझे बाद आज उस बंदे की कोई कुत्ता आ रहा था। यहाँ पे इसको 105 का दिया, और देखा मैंने आपको जैसा बताया कि हाथ कांपने लग पड़े मेरे, एडिट भी नहीं हो रहा था मेरे से, और लास्ट टाइम पे मैंने एडिट किया वो वहाँ पे भाग गया। अब बेवकूफ़ी ये की मैंने कि भाई साहब मैं भाग गया उसके पीछे, वो मार रहा था किसी और को, और ये ऐसी वाली बिल भी, बस ये यहाँ पे मेरा दिमाग ख़राब हो गया कसम से। लाइक मेरे को ना 5 या 6 घंटे हो गए थे रिकॉर्डिंग के, भैंस एकदम दिमाग ख़राब हो रहा था, हर बार दूसरी तीसरी बार मार रहा था। मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। तो यार भाई लोगों के, मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।